कुछ राजस्थानी भाषा में, चलो तुम बोलो भाई, इनसे बोलवाएंगे भाई, इनसे बोलवाएंगे। नहीं बोल लाइक सब्सक्राइब। नहीं 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 राजस्थानी भाषा में कैसे बोलते हैं, कुछ थोड़ी सी कुछ वहाँ का मतलब, कुछ ट्रेडिशन, कुछ मतलब ऐसा ऐसे ही बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, राजस्थानी भाषा कुछ और होती है, होती नहीं होती भाई, लैंग्वेज अलग अलग सबकी अलग अलग होती है। थोड़ा बताओ भाई, काम है एक नंबर को, बढ़िया मस्त काम हुए। नहीं राजस्थानी बोलो, मैं तो वीडियो नहीं करूँगा राजस्थानी, तो यार कुछ नहीं आती क्या राजस्थानी, इतनी नहीं आती, तो जितनी आती उतनी तो बोल दो। क्या बोले तो यार, अरे यार भाई शर्मा रहे यार, अरे इतनी यार। चलो ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश, करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ हीरो स्प्लेंडर BS6 कंप्लाइंट की 2022 मॉडल रहने वाला है, जो कि हमारे पास आई है राजस्थान झुंझुनू से। ठीक है, तो जितने भाई झुंझुनू से देख रहे हैं वो जरूर लाइक करना और कमेंट चुकाना प्यारा सा कि भाई हम भी वहाँ से हैं और हम भी आने वाले हैं, ये जरूर बताना मुझे। ठीक है, कब कब आप प्लान कर रहे हो बताना जरूर। फिलहाल बाइक को जो है भाई बताता हूँ, बाइक में क्या काम हुआ है, भाइयों से मिलवाऊंगा, उनसे रिव्यू लेंगे कि भाई जैसा सोच गया था वैसा काम हुआ है कि नहीं हुआ, जो यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं वो सही है या नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा, और सारा कुछ पूछेंगे उनसे कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा भाई होगा यहाँ पे काम कराने का। ठीक है जी, फिलहाल आपको बाइक जो है वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे इसको, छोटी सी वीडियो बनाकर आपको पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है, स्टे ट्यून, फटाफट से बाइक दिखाता हूँ कि क्या क्या काम उसमें हुआ है और फिलहाल चल रहा है, बस स्टीकर वगैरह आइए, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो बाइक की जो है बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप देखोगे भाई टेल लाइट कवर जो है वो खुला हुआ है, क्यों खुला हुआ है, क्योंकि उस पर वहाँ पे काम चल रहा है टेपिंग का। ठीक है जी, साथ में नजर डालेंगे तो ब्लिंकर बल्ब इसमें ऐड ऑन हुआ है, देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से लगाया गया है। पीछे के इंडिकेटर स्टॉक रहने वाले हैं, कंपनी के जो आते हैं वही, बट अभी हमने क्या करा है कि इनके इंडिकेटर के जो ग्लास होते हैं येलो वाले जो है उन्हें रिप्लेस करके हमने व्हाइट में ऐड ऑन कर दिया, देख सकते हैं आप। पीछे की तरफ बात करें तो ग्रैब हैंडल जो कंपनी से मिलता है स्टॉक वाला वो वहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने देख चुन वाला, यहाँ पे काफी बढ़िया एल्यूमिनियम फिनिश में जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया, देख सकते हैं लुक काफी स्पोर्टी आती है, सीट से थोड़ा ही ऊपर लगता है और काफी लगाकर इसको जो है लुक एनहांस हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी मॉडिफिकेशन है पीछे की तरफ जो मैंने आपको दिखाई है, बाकी इसमें नंबर प्लेट फ्रेम भी लगाया हमने, हमारे पास दो क्वालिटी मिलती है, एक मिलती है प्लास्टिक में, एक मिलती है मेटल में। ठीक है, बाकी RJ नंबर रहने वाला है, RJ18, आप समझ जाओगे कहाँ की रहने वाली गाड़ी। ठीक है, झुंझुनू ओके रिपोर्ट। ठीक है, बाकी लेमिनेशन जो है पहले की हो रही है, पुन्ना भाई पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। ठीक है जी, बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रिप लगी है बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पाइडर की, जिसमें ग्रिप अच्छी खासी मिलती है, आपका मतलब हाथ वाते वो बिल्कुल स्लिप नहीं होगा, अच्छी खासी ग्रिपिंग आपको प्रोवाइड करती है ये वाली ग्रिप। ठीक है, ग्रिप जो है डुअल टोन कलर में रहने वाली है, ब्लैक रेड और साथ में रेड जो है मेटल फिनिश मिलेगी, देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा कुछ रहने वाला है। बाकी इधर चले तो एक यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, कंट्रोल स्विच, यहाँ पर ये क्या करता है भाई, इसका काम ये है कि चारों इंडिकेटर ऑन कर देगा, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चारों इंडिकेटर ऑन है, इंडिकेटर ये हमने सिर्फ ग्लास चेंज करे हैं और बाकी बल्ब वल्ब कुछ चेंज नहीं है, इसके अंदर सब स्टॉक रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको कर देते बंद और इसको कर देते बंद, ये हो गया। ये भैया का पहले का लगा हुआ है बटन, अब मुझे नहीं पता किस चीज़ का ये, पता कर लेंगे। फिलहाल ये जो बटन है इससे हमारी पुलिस लाइट ऑन हो जाती है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पुलिस लाइट ऑन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में, जो बात है। ठीक है, बाकी पीछे की तरफ नज़र मारें दोबारा तो इसको कर देते बंद, और जैसे इसको ऑन करेंगे हम तो इसको ऑन करने के बाद हमारी जो DRLs हैं हीरो की वो ऑन हो जाती हैं, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके से जो है ये वर्क करती है, दो प्यारे प्यारे DRLs मिल जाते हैं, हीरो की बैचिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे इसको कुछ इस तरीके से तो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए पुराना वाला इनका पहले से बटन लगा हुआ है तो वो यहाँ पे लगा दिया गया, मतलब इसके कनेक्शन इसमें कर दिए गए। ठीक है जी, हेडलाइट रिप्लेस कर दी हमने, हीरो की लगाई है कंप्लीट जो है, कंपनी वाली वो निकाल दी, देखो यहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई। ठीक है जी, और बाकी थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे तो भाई यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगा, पान का पत्ता और राजपूताना लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप, राजस्थान की गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है तो होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे हीरो की लाइट लगा दी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब हीरो स्प्लेंडर के अंदर ना हीरो की लाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। अगेन यहाँ पे फ्रेम देखने को मिलेगा प्लास्टिक वाला, और बाकी बात करें इधर साइड में तो भाई प्रोटेक्शन के लिए देखो पूरी स्मोक टेप तो बॉडी पर हो ही रखी है, बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया लेग गार्ड, लेग गार्ड जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है और इसमें हीरो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं H, देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग, साथ में खुलने वाला रहने वाला है, उस साइड से खुलेगा। ठीक है जी, और नीचे तरफ देखेंगे तो बहुत ही प्यारे D95 हॉर्न लगाए गए यहाँ पर, एक यहाँ है और एक वहाँ पर है। ठीक है, हॉर्न बजाना पड़ना भाई, जरा भाई सब कान खोल गए, एक बार दो जहर भाई जहर। ठीक है जी, बस भाई कहर हो रहा है अब। तो भाई जहर से जो है हमारे मिंडा के D95 हॉर्न रहने वाले, एज ऑलवेज माई फेवरेट रहने वाले भाई, क्योंकि भाई सीन ऐसा है कि इसके अंदर ना एक तो कंपनी की मिल जाती है अच्छी खासी मतलब क्वालिटी, ठीक है, प्लस पूरी बॉडी शेल जो है मेटल का मिल जाता है, प्लस साथ में हम यूज़ करते जो इसके अंदर मिंड वाली रिले दिखाना, मेटल वाली कॉपर वाली हम जो रिले यूज़ करते हैं भाई वो कॉपर वाली यूज़ करते हैं,
कॉपर वाली का ये फायदा होता है, अच्छा आउटपुट मिलता है, बैटरी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता और लंबे समय तक चलती है। एक लोकल वाली दिखाओ जो सस्ती वाली है। देखो भाई कुछ इस तरीके से ये वाली हम रिले यूज करते हैं, देख रहे हो पूरा मैकेनिज्म इसका दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके काम करती है। जब आप हॉर्न दबाओगे तो छोटा ये जो बल्ब दिख रहा है ये ऑन हो जाता है, मतलब चलता है क्रिंग 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 क्रिंग, ठीक है। तो ऐसी कुछ रहने वाली रिले। एक ये आती है भाई सस्ती वाली, ठीक है, इसमें कुछ पता ही नहीं के अंदर है क्या मामला, कॉपर है एलुमिनियम की तार है क्या है पता नहीं है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा दोनों। हम तो फिलहाल ये वाली रिकमेंड करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, इवन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ सब। मेरे को 8-9 महीने हो गए लगाए हुए हॉर्न मिंडर D95, तो मैं ये वाली रिले यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यूज़ नहीं करता, जिसका बजट कम है वो ये लगवाए, जिसका बजट ठीक है भाई वो ये लगवाए, ठीक है। ये लो भाई रख दो, ठीक है जी। तो ये हो गया, और बाकी अभी जो है हमारी दुकान पे भाई लाइट आ रखी है रिमोट वाली, जो कि डुअल टोन रहने वाली है, फुल हैजार्ड फ्लैशर की तरह काम करती है, इसमें काफ़ी सारे पैटर्न मिल जाते हैं और डुअल टोन रहेगी व्हाइट और येलो, व्हाइट एंड पुलिस लाइट के साथ, ठीक है। रिमोट मिलता है हमारे को, बॉडी शेल जो है इसकी प्लास्टिक रहने वाली है, बाकी वुडन फिनिश मिल रही देखने को, ठीक है। यहाँ पे ऑन बटन मिल जाता है, मोड का मिल जाता है, स्विंग का मिल जाता है, ऑफ का मिल जाता है, ठीक है। फोकस ले ले बेटा, यहाँ से इसको ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप ये हमारा ब्लिंकर जो है स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है जी। बाकी अगर यहाँ से हम इसमें मोड पे क्लिक करेंगे जैसे ये है, तो ये देख सकते हैं आप पैटर्न चेंज उतरेंगे इसके। इसमें दोस्तों स्टे मोड भी मिल जाएगा, ये देखो जी ये स्टे मोड हो जाएगा इसका। अरे बहुत सारे मोड है भाई, ये हो गया स्टे, अरे ये स्टे मोड दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्टे मोड रहने वाला है, अगर इसमें हम स्विंग कर देंगे तो पुलिस लाइट भी स्टे मोड में हो जाएगी, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा और यहाँ पे रेड हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से मोड पे दोबारा क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरीके, देखो ये मोड क्लिक करा तो यहाँ पे अगेन ये हमारा हजार प्लस की तरह काम करेगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो काफी तेज रोशनी रहने वाली है, देख सकते हैं आप फ्लोर पे टायर्स पे कितना अच्छा ये वो कर रहा है परफॉर्म, ठीक है जी। बाकी अगेन चेंज करेंगे यहाँ से, ये देखिए चेंज हो गया, ये देखो। और ऐसा नहीं रिमोट इधर है तो कहीं भी चेंज कर लो आप, ये देखो, ठीक है। तो रिमोट जो है काफी दूर से वर्क कर लेता है, इसके अंदर एंटीना भी दिया हुआ है, मतलब खोल खाल लो से लंबा हो जाता है, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रिमोट मिलता है बहुत ही प्यारा, लाइट की कॉस्टिंग वगैरह सारी कुछ जो है टोटल जो एस्टिमेट आया वो बताऊंगा लास्ट में, फिलहाल जो है भाइयों का रिव्यू ले लेते हैं। तो भाई ये जो पीछे का टेल लाइट कवर है वो यहाँ पड़ा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ब्लैक लगा दिया गया, मैट टेप लगा दी गई है, ये खुला रहेगा। और अभी यहाँ पे क्या पे आएगा, मर्सिडीज का लोगो आएगा, ठीक है। और इसके अलावा बस ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिनेमैटिक देख के मजा आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, यहाँ तक वीडियो जरूर देख लिए तो भाई बस लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ भाई बेल आइकन जरूर दबाना, सब्सक्राइब करना ही नहीं होता साथ में बेल आइकन भी दबाना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं आते अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो, ठीक है। बेल आइकन दबाओगे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा और कोई पैसा थोड़ी लगता है, फ्री में देखो वीडियो, दबा दब देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपने काम देख लिया, सिनेमैटिक देख लिए, बाइक पूरी कंप्लीट है, जाने के लिए तैयार है, तो एक बार भाई लोगों से जा मिलवाता हूँ। भाई अपना नाम सचिन सिंह शेखावत। सचिन सिंह शेखावत, सचिन सिंह शेखावत यार। अच्छा सचिन सिंह शेखावत, हाँ थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है भाई क्या। आपका नाम भाई? जितेंद्र सैनी। जितेंद्र सैनी कहाँ से आया भाई? झुंझुनू, राजस्थान। झुंझुनू कितने घंटे लगे यहाँ पे आने में? 4-4.5 घंटे। 4-4.5 घंटे। तो वीडियो देखी थी आपने, वो देख के आया हो? तो एक वीडियो देखी थी या पहले भी? सभी देख रखी है। सभी देख रखी है। तो जैसा काम मैं वीडियो में दिखाता हूँ बेसिकली, एकदम चिट्टी गाड़ी हो जाती है, काम एकदम 0-0 फिटिंग के साथ होता है, वही हुआ? बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, और जो चार्ज लेते हैं अपन लोग वो सही लगा? नहीं सही है चार्ज वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, तो जो काम कराया तो मजा आया आपको? बिल्कुल साहब। कोई आप मतलब जो वायरिंग का काम उसमें जितना भी हुआ है, हॉर्न हो गई, लाइट्स हो गई, जो भी है, कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी बाइक का एक्स्ट्रा कोई वायर काटो? नहीं, बिना कट के आपके सामने करा है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो सही है। तो भाई देखो कस्टमर की ट्रांसपेरेंसी के सामने मतलब होता है ना कि अभी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करा जाता है, यहाँ पे कोई वायर कट नहीं करते, क्योंकि पता है क्या है, वायर कट वहाँ पे होती है जहाँ पे अनप्रोफेशनल बंदे हो, यहाँ पे क्या सीन है कि भाई बिल्कुल प्रोफेशनल बंदे हैं। बाकी कौन से हमारे भाई भाई यहाँ देखो ना, यहाँ पे तो सीन ये है कि भाई देखो
जहाँ पे अनप्रोफेशनल बंदे होंगे वहाँ पे वो वायर काटेंगे, जल्दबाजी में जहाँ से करंट आया वहाँ जोड़ देंगे। बट यहाँ पे क्या है कि मेन कपलर खोल के और जो लाइटें जो कनेक्शन होते हैं तार होते हैं वो उस कपलर में एड ऑन करके और फिर वो दोनों कपलर वापसी फिक्स करे जाते हैं, यही कनेक्शन होते हैं। ऐसे कुछ करा ना भाई इन्होंने? हाँ जी बिल्कुल सही है। बाकी भाई आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ? नहीं नहीं खुशी है। आप उदास हो क्या? नहीं 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 उदास नहीं हूँ, फिर बस खुशी है। खुश हो? चलो भाई, भाई खुश है और भाई जुनून, आप दोनों साथ में रहते हो? भाई हो दोस्तों? दोस्त है। चलो ठीक है, तो भाई आए थे जुनून से, बाइक इनकी हो चुकी है कंप्लीट, अब ये जा रहे हैं जुनून। कितने घंटे लगे थे जाने में? साढ़े चार पाँच घंटे का। साढ़े चार पाँच घंटे लगे थे? सुबह चार बजे चले। ओ भाई, तो सुबह चार बजे चले थे, ये होती शिद्दत। अभी टाइम हो रहा है इनका, दो बजने वाले हैं भाई, तो दो बजने वाले हैं तो अब ये लगा लो ये पहुँचेंगे करीब सात बजे। हैं कितने किलोमीटर है जुनून? 200 किलोमीटर। 200? भाई साहब देखो ये होता है प्यार प्रेम, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो काम होता है वो और दूसरा भाई वीडियो में जो काम दिखाते हैं वो, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है भाई लोग यहाँ पे आए 200 किलोमीटर चल के। वह तो कई बार लोग आए लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा ना मतलब अचंबा सा होता है कि इतनी दूर जाते हैं, मतलब इतनी दूर बंदे आ जाते हैं काम कराने के लिए। तो वो ये भाई, चलो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाकी भाई राजस्थानी भाषा में कुछ बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब बोलो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं और जो काम दिखाते हैं वो बिल्कुल सही परफेक्ट काम होता है। बस लेकिन भाई ये तो मैं ही बोल लेता, सिंपल है, लेकिन कुछ राजस्थानी भाषा में चलो तुम बोलो, इनसे बुलवाएंगे भाई, इनसे बुलवाएंगे लाइक सब्सक्राइब। नहीं 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 राजस्थानी भाषा में कैसे बोलते हैं, कुछ थोड़ी सी कुछ वहाँ का मतलब कुछ ट्रेडिशन कुछ मतलब ऐसा ऐसे ही बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, राजस्थानी भाषा कुछ और होती है, होती नहीं होती भाई, लैंग्वेज अलग सबकी अलग अलग होती है। थोड़ा बताओ भाई, काम एक नंबर को, बढ़िया मस्त काम हुए। नहीं राजस्थानी बोलो, मैं तो वीडियो एंड नहीं करूंगा। राजस्थानी तो यार कुछ नहीं आती क्या? राजस्थानी इतनी नहीं आती, तो जितनी आती उतनी तो बोल दो। क्या बोले तो यार? अरे यार भाई शर्मा रहे यार। अरे इतनी चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। बाय तो कर दो।